के जयनगर एसडीएम बेबी कुमारी ने सरकारी अनाज के कालाबाजारी का भंडाफोड़ किया है। आपको बता दें कि एसडीएम बेबी कुमारी ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की, जिसमें पिकअप पर लदे 8 बोरी सरकारी अनाज को जब्त किया गया। छापेमारी के दौरान पिकअप चालक और खलासी फरार हो गए। तो आपको एक बार फिर से बता दें कि मधुबनी जिले के जयनगर एसडीएम बेबी कुमारी ने सरकारी अनाज के कालाबाजारी का भंडाफोड़ किया है। आपको बता दें कि एसडीएम बेबी कुमारी ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की, जिसमें पिकअप पर लदे 8 बोरी सरकारी अनाज को जब्त किया गया। तो आपको एक बार फिर से बता दें कि मधुबनी जिले के जयनगर एसडीएम बेबी कुमारी ने सरकारी अनाज के कालाबाजारी का भंडाफोड़ किया है। वहीं आपको बता दें कि एसडीएम बेबी कुमारी ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की, जिसमें पिकअप पर लदे 8 बोरी सरकारी अनाज को जब्त किया गया। तो आपको एक बार फिर से बता दें कि मधुबनी जिले के जयनगर एसडीएम बेबी कुमारी ने सरकारी अनाज के कालाबाजारी का भंडाफोड़ किया है। आपको बता दें कि एसडीएम बेबी कुमारी ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की, जिसमें पिकअप पर लदे 8 बोरी सरकारी अनाज को जब्त किया। तो आपको एक बार फिर से बता दें कि मधुबनी जिले के जयनगर एसडीएम बेबी कुमारी ने सरकारी अनाज के कालाबाजारी का भंडाफोड़ किया है। आपको बता दें कि एसडीएम बेबी कुमारी ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की, जिसमें पिकअप पर लदे 8 बोरी सरकारी अनाज को जब्त किया गया। आपको एक बार फिर से बता दें कि मधुबनी जिले के जयनगर एसडीएम बेबी कुमारी ने सरकारी अनाज के कालाबाजारी का भंडाफोड़ किया है। आपको बता दें कि एसडीएम बेबी कुमारी ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की, जिसमें पिकअप पर लदे 8 बोरी सरकारी अनाज को जब्त किया गया है। वहीं छापेमारी के दौरान पिकअप चालक और खलासी फरार हो गए हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी नवीन नायक जुड़ गए हैं। जी नवीन, मधुबनी से अनाज कालाबाजारी का मामला सामने आ रहा है, क्या कुछ है अपडेट? अपडेट ये है कि काला, ये आपको कल रात की घटना है, जहां जयनगर अनुमंडल पदाधिकारी बेबी कुमारी के द्वारा कार्रवाई के गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई किया गया, जहां दो बोरी गेहूं और 4 बोरी चावल बरामद किया गया। और उस जगह से अज्ञात लवारिस स्थिति में जो पिकअप और बाइक बरामद किया गया, वो जयनगर थाना पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया। आगे की कार्रवाई चल रही है। क्या पुलिस ने अभी तक किसी को गिरफ्तार किया है? नहीं, अभी तक तो गिरफ्तारी की जानकारी सामने बाहर नहीं आ रही है। वैसे थाना अध्यक्ष संजय कुमार बता रहे कि छापेमारी चल रही है पकड़ने के लिए। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।